हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। इस मंथ हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री, मूवी, वेब शो देखने को मिले हैं, पर साथ ही साथ मैं ऑलरेडी अमेजोन प्राइम पर, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वीडियो बना चुका हूं, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा कि इस मंथ उन प्लेटफॉर्म पर क्या क्या रिलीज हुआ है। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी अपडेट्स बताऊंगा वो आपको मेरी वेबसाइट और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, तो जाके अभी चेकआउट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं नेटफ्लिक्स अपडेट के बारे में। तो जितने भी मैं आपको अपडेट बताऊंगा वो सब आपको मेरी वेबसाइट पर तो मिल ही जाएंगे, पर इस मंथ कौन कौन से रिलीज हुए हैं या कौन से रिलीज होने वाले हैं वो सारे के सारे अपडेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बारबी मूवी के बारे में। तो बारबी के ऊपर काफी सारी मूवीज आई है, पर फाइनली आज हमें ब्रांड न्यू टीवी शो देखने को मिला इस मंथ, जो कि 3 जून को रिलीज हुआ था हिंदी लैंग्वेज में। और उसी के साथ द एज द क्रो फील्स, जो कि एक ड्रामा सीरीज है, 3 जून को रिलीज हो चुकी है हिंदी में। देन उसी के साथ अगला जो अपडेट है बहुत ही कमाल का, अगर आपको सर्वाइविंग वाले रिलेटेड टीवी शो पसंद है तो आप सर्वाइविंग समर देख सकते हो, जो कि 3 जून को हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है। बहुत ही कमाल का टीवी शो है, देखिएगा जरूर। उसी के साथ अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, इंटरसेप्टर, जो कि बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी है, और इसमें तो भाई एक्शन भर भर के है, मतलब आपने इसका ट्रेलर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। उसी के साथ पिंकी ब्लाइंडर्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सीजन 6 इसका आ चुका है 10 जून को, और जैसी कोई हिंदी का अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं एक ओरिजिनल कंटेंट के बारे में। तो ट्रू इवेंट के ऊपर ये मूवी बनी है, थ्रेसेस ऑफ द पीस, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी, बहुत ही कमाल की है। उसी के साथ अगर अकेले में कुछ देखना है तो फर्स्ट किल आपके लिए बेस्ट है, हिंदी लैंग्वेज में है, और ये टीवी शो आपको हिला डालेगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, कुंग फू पांडा के, अगर आप बहुत बड़े फैन हो तो इसकी एक वेब शो आया है बहुत ही कमाल का, हिंदी लैंग्वेज में, देखिएगा जरूर। चलिए बात करते हैं अब अगले अपडेट के बारे में, अगर आप जेनिफर लोपेज के बहुत बड़े फैंस हो तो हाफ टाइम, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, देखने लायक है, देखिएगा जरूर, इनके इवेंट के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो सेंचुरियो, जो कि एक एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म है, 15 जून को रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में, तो जाके चेकआउट करो। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो गॉड्स फेवरेट इडियट, बहुत ही कमाल का टीवी शो है, कॉमेडी से भरा पड़ा है, और इसमें जो आपको एक्ट्रेसेस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और थंडरबोल्ट्स इनकी एक मूवी भी रिलीज हुई थी पहले। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो टीवी शो, अगर आपको अकेला देखना कुछ एनिमेशन एडल्ट, तो ये सीरीज जरूर देखिएगा, फ्रेजार। अब बात करते हैं कोरियन वेब सीरीज के बारे में, तो जब कोरिया में साइबर अटैक हुआ था तो उसके ऊपर ये सीरीज बनी हुई है, इसका नाम है वेब ऑफ द मेकिंग बिलीव। अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, द वर्थ ऑफ गॉड, जो कि बहुत ही कमाल की हॉरर फिल्म है, 15 जून को रिलीज हुई थी हिंदी लैंग्वेज में। अब बात करते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जो कि है डेड एंड पैरानॉर्मल पार्क, बहुत ही कमाल का टीवी शो है, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुआ है, और बच्चों के लिए तो है ही है, साथ ही साथ कॉमेडी भी बहुत भर भर के है इसमें। अब बात करते हैं स्पाइडर हेड अपडेट के बारे में, जो कि है हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल में, और मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की है, आपके दिमाग पर असर डालेगी। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, यू डोंट नो मी, ये टीवी शो रिलीज हुआ है क्राइम के ऊपर, और काफ़ी कमाल का देखने लायक। और फाइनली लास्ट बॉलीवुड का अपडेट, भूल भुलैया 2 फाइनली 19 तारीख को आ चुकी है, बहुत ही कमाल की मूवी है, मैंने देखी थी, मुझे पर्सनली पसंद आई। तो गाइस ये थे बहुत सारे कमाल के अपडेट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो गाइस आज के बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।